जी वक्त हो चला है राशियों का, तो अब दर्शकों को ये भी बता देते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है, आज के दिन उन्हें क्या कुछ करना है और क्या करने से बचना चाहिए। तो आइए अंकुर जी, सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए। मेष राशि के जातकों को आज माइग्रेन की समस्या यदि है तो थोड़ा संभल करके चलना चाहिए, क्योंकि यह समस्या आज आपकी बढ़ सकती है। किसी चीज की चिंता सताएगी, इस कारण से सिर में दर्द आज आपको थोड़ा रह सकता है। आज आपके लिए गए निर्णय भविष्य में बहुत लाभप्रद रहने वाले हैं। परिवार में सबसे ज्यादा मान सम्मान इज्जत शोहरत आप प्राप्त करने वाले हैं। आज के दिन सोच समझ करके निर्णय लिए गए आपको भावी भविष्य में बहुत लाभ देंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि की बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोग। आज किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू होती है और उन पर आपका आकर्षण जरूर कहीं आएगा। ऐसे में शुरू में ही उत्तेजित होने से बचना चाहिए और उनके साथ सब कुछ साझा ना करें, अन्यथा आज आपकी बात बिगड़ सकती है। अपनी मन की बात मन में ही रखें, किसी और से कहने में आपकी बात बिगड़ सकती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। आज मिथुन राशि के जातकों को कॉलेज में किसी दोस्त के द्वारा भ्रमित करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। मिथुन राशि के जातक जो भूमि भवन प्रॉपर्टी आदि में काम करते हैं उन्हें आज निवेश करने पर लाभ होता है। राजनीतिक लोगों को आज मान सम्मान इज्जत शोहरत प्राप्त होने वाली है। घर में बड़ी सुख शांति के साथ तरक्की उन्नति करने वाले हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को वैवाहिक लोगों का जीवन आज सुखमय रहेगा। पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा। माता पिता का आशीर्वाद आप पर आज बना रहेगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन आप अपने भाई या बहन के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शुरुआत में उन्हें कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आज परेशान कर सकती है, लेकिन ध्यान नहीं दे पाने के कारण वही बड़ी बीमारी में बदल सकती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। यदि विवाह को कुछ ही वर्ष का समय बीता है तो पत्नी के साथ बना करके रखें। आज के दिन आपकी पत्नी किसी बात को लेकर आपसे आज नाराज रह सकती है। वहीं आज सुख शांति पूर्वक आज आपका दिन रहने वाला है। आज कोई व्यापारी वर्ग है तो उन्हें अपने व्यापार में कई फैसले लेने होंगे और ये फैसले लिए गए आपको भविष्य में लाभ देने वाले साबित होंगे। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों की। तुला राशि के जो वर वधु कुंवारे हैं विवाह की प्रतीक्षा में हैं और घरवाले रिश्ते ढूंढ रहे हैं, आज के दिन उसमें रुचि आप लेंगे, क्योंकि कुछ अच्छे रिश्ते आपके लिए आज आ रहे हैं। किंतु यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो वह हाथ से निकल भी सकते हैं, इसका पछतावा बाद में आपको जरूर रहेगा। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों। आज के दिन पहले से ही सावधानी बरतनी है और किसी भी चीज को ज्यादा तूल ना दें। निजी नौकरी कर रहे लोगों को काम का बोझ अपेक्षाकृत कम रहेगा, आराम करने को आज मिलेगा। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों की। बच्चे यदि स्कूल में हैं तो उनके किसी काम से खुशी मिलती है और आप उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास भी कर सकते हैं। परिवार का माहौल सामान्य तो रहेगा, लेकिन शाम के समय कुछ अनहोनी घटित आज हो सकती है। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों की।
यदि हाल फिलहाल में नया बिजनेस शुरू किया है तो उसमें सफलता देखने को आज मिलेगी। बाजार में आपके कुछ नए दोस्त भी बन सकते हैं जिससे मन बहुत प्रसन्न रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे छात्र छात्राओं को अपने लिए कुछ नया करने का प्लान करेंगे, इसके लिए नए नए विचार भी मन में आज आएंगे। हालांकि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उस पर अच्छे से विचार करना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको प्रायश्चित करना पड़ सकता है और बाद में लिए गए निर्णय आपको नुकसानदायी रहेंगे। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों की। आज के दिन आपका किसी परिवार फंक्शन या दोस्तों के पार्टी में समारोह में जाने का मन हो, वहां किसी के पर दिल भी आज आपका आ सकता है। मन ही मन आप उनसे आकर्षित होंगे और उनके साथ नकारात्मक बातचीत भी ये बातचीत आगे चलकर प्रेम संबंधों में बदल सकती है। व्यापारी वर्ग को लिए गए फैसले व्यापार में बहुत लाभ देने वाले रहेंगे। परिवार में और घर में आज प्रसन्नता दिखाई देगी। इसी के साथ में आज भूमि भवन प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं आपको लाभ होगा। यह है आज का हमारा अपना राशि। जी बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं।